Hello everyone, welcome to this video of Advanced JavaScript, and our today's topic is about switch case statement. So last year we have seen about switch case and looping structure, and there we have studied the basic structures of looping and statements of conditions. Like we have seen the syntax of JavaScript with variable declaration, if structure, function, etc. And here now we are going to learn about the main features of switch statement, and here in advanced JavaScript how to implement the switch case statement. So JavaScript, if we need to learn about the advanced JavaScript, so in the JavaScript itself it has multiple ways of making the decision statement, and one of them is the switch. So how we are going to study the switch, that I am going to explain here in this video with its syntax and the program execution. So how switch is executing? Before moving to it, मैं आप लोगों को एक सिंपल सा एग्जांपल देना चाहती हूँ कि वर्किंग कैसे रहेगा स्विच. जब भी हम लोग यूज कर रहे हैं वो वर्क कैसे करने वाला है. वी नो कि जावा इज इंटरप्रेटेड लैंग्वेज, इट मीन्स लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन करेगा एंड इट विल गिव यू अस आउटपुट. बट स्विच जब हम लोग पढ़ने वाले हैं, स्विच स्टेटमेंट जब हम लोग यूज करने वाले हैं, तो हाउ इट इज गोइंग टू गेट एग्जीक्यूट. तो एक सबसे सिंपल सा नाम ध्यान में रखो कि स्विच स्टेटमेंट इज फॉर मेन्यू ड्रिवन प्रोग्रामिंग. इट मींस जब आपके पास में एन नंबर ऑफ ऑप्शंस हैं, देन यू आर गोइंग टू यूज वन. अब उसका एक सिंपल सा एग्जांपल, आप कोई रेस्टोरेंट में गए हो, रेस्टोरेंट में जाने के पहले यू आर सेटिंग योर माइंडसेट कि मुझे क्या क्या खाना है, और अगर नहीं सेट है तो वहां जाके चेक करोगे मेन्यू कार्ड एंड यू विल सेट कि आपको साउथ इंडियन चाहिए या फिर चाइनीज चाहिए या फिर यू आर प्रेपरिंग फॉर मील्स, उसमें से कोई एक फाइनलाइज करके यू विल ऑर्डर. नाउ इन केस अगर आपने इडली ऑर्डर किया और आपको मिला है डोसा या फिर आपको मिला है वड़ा सांभर, सो विल यू एक्सेप्ट इट? नो, बिकॉज इट वॉज नॉट योर ऑर्डर. सिमिलरली इन स्विच स्टेटमेंट, वॉट एवर कंडीशन यू आर स्पेसिफाइंग, इफ इट इज गेटिंग एग्जीक्यूटेड देन आउटपुट, इफ नॉट देन क्विट. अगर आपको ऑर्डर नहीं मिला आपके हिसाब से, तो आप वहां पे फिर से जाओगे या फिर वो एग्जीक्यूट करोगे क्या? नो, यू विल कम आउट ऑफ द रेस्टोरेंट. सो सिमिलरली आप जब स्टेटमेंट स्पेसिफाई कर रहे हो, कंडीशन स्पेसिफाई कर रहे हो इन स्विच स्टेटमेंट, इट विल चेक वेदर इट इज मैचिंग. यस मैचिंग तो डिस्प्ले, नहीं मैचिंग तो कम आउट. इट दिस वे स्विच स्टेटमेंट विल वर्क. और एक एग्जांपल बताती हूँ, और सिंपल सा एग्जांपल ले सकते हैं हम लोग स्विचेस का ही, जो हमारे इलेक्ट्रिक स्विचेस रहेंगे. नाउ आपके घर का एग्जाम्पल लेते या फिर कॉलेज के क्लासरूम का एग्जाम्पल लो. अगर मैंने लाइट का बटन शुरू किया तो फैन शुरू होता है क्या? नो. अगर मैंने फैन का बटन शुरू किया तो लाइट शुरू होता है क्या? नो. सो एवरी स्विच, एवरी कोड, यहां रिलेट करो, एवरी स्विच एवरी कोड इज सेट फॉर वन कंडीशन एंड इट विल एग्जीक्यूट दैट कंडीशन ओनली. इफ नॉट इट विल कम आउट ऑफ द लूप, इट विल कम आउट ऑफ द प्रोग्राम स्टेटमेंट. सो दिस वे यू हैव टू रिमेम्बर कि स्विच हाउ इट इज गोइंग टू गेट एग्जीक्यूट. अब जब भी हम लोग स्विच का एग्जाम्पल लेंगे, आपके टेक्स्ट बुक में जो दिया हुआ है दैट इज फॉर डेज इन अ वीक, आप लोग देखो एक बार टेक्स्ट बुक में कि मंडे ट्यूजडे हम लोगों को डिस्प्ले करना है. नाउ जैसे मैंने कहा कि मेन्यू ड्रिवन प्रोग्रामिंग रहेगा, तो वहां पे एक ऑप्शन रह सकता है क्या? नो. वहां पे एन ऑप्शंस रहेंगे, उसमें से एक डिस्प्ले होते जाएगा. इफ मैच हो रहा है तो डिस्प्ले, इफ मैच नहीं हो रहा है तो कम आउट ऑफ इट. सो उसी हिसाब से वी आर गोइंग टू चेक टुडेज प्रोग्राम फॉर डिस्प्लेइंग डेज ऑफ अ वीक इन टू एडवांस जावास्क्रिप्ट विथ स्विच स्टेटमेंट. वी विल चेक इट्स सिंटैक्स एंड द प्रोग्राम. फॉर दैट लेट्स मूव टू योर कंप्यूटर स्क्रीन एंड टेक्स्ट बुक. सो कमिंग बैक टू इट, हम लोगों को अभी ये एग्जाम्पल से क्या समझ में आया? द स्विच स्टेटमेंट टेस्ट द वैल्यू ऑफ गिवन एक्सप्रेशन अगेंस्ट द लिस्ट ऑफ केसेस. जितने केसेस अवेलेबल है, जितने ऑप्शंस अवेलेबल है, उसके साथ में वैल्यू को चेक करेगा. इफ मैच इज फाउंड, अगर मैच हो रहा है, द ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट एसोसिएटेड विद दैट केस विल बी एग्जीक्यूटेड. सो उस हिसाब से ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट किया जाएगा. अगर नहीं हो रहा है, सो बिटवीन द केसेस वो मैच किया जाएगा, अदरवाइज इट विल कम आउट ऑफ द स्विच. बट द डिफॉल्ट स्टेटमेंट इज नॉट मैंडेटरी. नाउ हियर मूविंग टुवर्ड्स द सिंटैक्स ऑफ इट, अगर मुझे ये सिंटैक्स पढ़ना है तो यहाँ पे देखिए सिंटैक्स क्या दिया गया है. सिंटैक्स में दिया है स्विच एंड एक्सप्रेशन, कौन से एक्सप्रेशन के लिए स्विच को एग्जीक्यूट करना है. सो इन दिस सिंटैक्स, नाउ हियर एक्सप्रेशन मीन्स द वैल्यू की वो किसके लिए हम लोग यूज करने वाले हैं. तो स्विच अगर हम लोगों का यहाँ पे जो प्रोग्राम रहेगा वो किसके लिए है, उस हिसाब से हम लोग यहाँ पे एक्सप्रेशन सेट करेंगे. नाउ
अगर जैसे मैंने बताया कि मेन्यू में से पहला मेन्यू सिलेक्ट किया, या फिर स्विच बोर्ड का एग्जांपल ले रहे हैं हम लोग, तो फैन का बटन, सो फैन के बटन की वैल्यू, तो उसके लिए जो एग्जीक्यूशन ब्लॉक रहेगा वो हम लोग स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करेंगे और फिर उसे ब्रेक करेंगे। अगर केस टू सिलेक्ट कर रही हूँ, केस टू में अगर है हमारा क्या, तो यहाँ पे अगर हम लोगों का आता है लाइट का बटन, तो लाइट की बटन दबाया तो लाइट शुरू हो रहा है, उसके लिए जो इंस्ट्रक्शंस है वो एग्जीक्यूट होंगे, फिर ब्रेक होगा। इस तरह से बाकी के इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट होते जाएंगे जितने भी इंस्ट्रक्शंस रहेंगे। नाउ सो दिस वे फॉर ऑल द स्टेटमेंट ब्लॉक इट विल एग्जीक्यूट द केसेस एंड इट विल चेक फर्स्ट कि वेदर द वैल्यू इज गेटिंग मैच और नॉट। If value is getting match, it will execute the statement block. So it is not compulsory to have the default statement, but agar ye value match nahi ho raha hai, to it will give you the default message and the block which is set into the default, it will execute it. Now moving towards the program of it, program jo aapko diya gaya hai, ye program ka execution hum log चेक करेंगे, लेकिन पहले कुछ बेसिक्स चेक कर लेते हैं। कुछ नया है क्या? नहीं, डॉक टाइप HTML सेम, हेड टाइटल जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम, टाइटल को क्लोज किया, हेड को क्लोज किया, बॉडी टैग ओपन किया, हेडिंग फर्स्ट यूज किया, यूज ऑफ स्विच केस। नाउ यहाँ पे स्क्रिप्ट टाइप आया है। यू ऑल आर अवेयर दैट हम लोग यहाँ पे स्क्रिप्ट लैंग्वेज यूज करते थे, तो नाउ एज इट इज एडवांस जावास्क्रिप्ट, तो यहाँ पे क्या आएगा? स्क्रिप्ट लैंग्वेज की जगह पे स्क्रिप्ट टाइप आएगा। तो स्क्रिप्ट लैंग्वेज जावास्क्रिप्ट ऐसे हम लोग यूज करते थे, तो यहाँ पे स्क्रिप्ट टाइप, और क्या यूज किया है कोट में? टेक्स्ट और जावास्क्रिप्ट, और उसमें हम लोग असाइन कर रहे हैं वेयर डे इक्वल्स टू सिक्स, तो वेरिएबल हम लोग डिक्लेयर कर रहे हैं डे इक्वल्स टू सिक्स, सिक्स वैल्यूज हम लोग चेक करने वाले हैं। नाउ इट इज स्विच एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन कौन सा यूज किया गया है? तो डे के लिए, तो डे की वैल्यू स्पेसिफाई हुई है सिक्स, सो इट विल असाइन it to day and accordingly it will execute the cases. Now we'll check ki case number 1 mein kya diya hai, to generate the alert message of Monday, then break if matching, if same for all the different cases, and default agar nahi hai koi to invalid day, agar 7 dinon se ke alawa ya fir ye jo values diye gaye hai uske alawa agar koi day hai to that will be considered as default day. Now yahan pe ye jo 6 value assign ki gayi hai day ke liye, how it is so and how we are going to execute everything, so we are going to check that into the program and we'll see ki accordingly how value is specified and what is the output it will generate. So here it is our program. Yahan pe hum log dot type html ye same as it is likhe hai, use of switch case, type hamara jo likhne wale script type that is text or javascript, where डे सिक्स। ना यहाँ पे जो मैंने सिक्स लिखा हुआ है, ये क्यों लिखा है ये हम लोग चेक करने वाले थे। तो ये जो सिक्स लिखने के बाद में व्हाट इट विल डू, नाउ जो हम लोग डे कैरेक्टर यहाँ पे यूज कर रहे हैं, सॉरी डे वेरिएबल जो यूज कर रहे हैं, नाउ डे वेरिएबल एक्सप्रेशन फॉर्मेट में जब हम लोग यूज करेंगे तो उसका वैल्यू क्या है? सिक्स। तो व्हाट इट विल डू, इट विल चेक द कंडीशन ऑन सिक्स, द कंडीशन ऑन सिक्स व्हाट इज देयर to alert or to display the message, कौन सा message? That it is Saturday. So accordingly it will generate the message. तो हमारा output क्या आना चाहिए कि day की value क्या है? 6. तो 6 ने switch कहाँ पे transfer करना चाहिए? 6 वाले case पे, उसपे क्या दिया हुआ है? Alert message Saturday and then break. So we'll check कि अगर ये break भूला है तो क्या? It will come out. Now we'll check, we'll save this file. While saving this file हम लोग सेव एज करेंगे स्विच डेमो डॉट एच टी एम एल, आई विल यूज इट हियर, देन मैं सेव करती हूँ इसे। वंस आई एम सेविंग दिस डॉक्यूमेंट, सो दिस इज व्हाट द फाइल विच इज क्रिएटेड, बट वी हैव सेव्ड इट विद द डॉट एच टी एम एल। नाउ विल क्लिक ऑन इट, और राइट क्लिक करने के बाद में विल डू ओपन वी। सो हियर जैसे हम लोग ये फाइल को ओपन करेंगे, हमारा प्रोग्राम है जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम, सो यहाँ पे हम लोगों को क्या प्रॉम्प्ट मिला है? दैट दिस इज सैटरडे। क्यों? क्योंकि हमारा सिक्स नंबर पे आउटपुट कहाँ आना चाहिए था? सैटरडे। नाउ विल चेक कि यहाँ पे, नाउ वी विल चेक यहाँ पे कि अगर मैं ये वेयर डे की वैल्यू जो है वो फाइव स्पेसिफाई करती हूँ तो क्या होगा? मैं यहाँ पे सेव कर रही हूँ, यहाँ जाके हमारा हमेशा के जैसा इफ आई एम, यहाँ पे इसे लोडिंग के लिए टाइम लग रहा है, सो हियर आई एम रिफ्रेशिंग इट, सो इट इज सेइंग द पेज सेज फ्राइडे।
ओके नाउ हियर अगेन चेक करते हैं कि आपको कौन सी वैल्यू चाहिए। मैं 4 पे जाती हूँ, मैं यहाँ जाके सेव करती हूँ, यहाँ जाके रिफ्रेश करती हूँ, सो आ गया थर्सडे। सो इस हिसाब से यू हैव टू चेक कि स्विच कहाँ ट्रांसफर हो रहा है, कौन से केस में जाके ट्रांसफर हो रहा है एंड हाउ इट इज गोइंग टू एग्जीक्यूट द ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स व्हिच आर इनटू दैट केस। एंड देन इफ इट इज ब्रेक बोला है तो ओके करने के बाद में इट इज कमिंग आउट ऑफ इट। सो ओके ब्रेक हुआ एंड इट इज कमिंग आउट ऑफ इट। सो दिस इज हाउ वी कैन अंडरस्टैंड एंड एग्जीक्यूट कि स्विचेस जावास्क्रिप्ट में कैसे वर्क करते हैं। सो इन केस आपको इसमें कुछ डाउट है यू कैन आस्क मी, एंड टिल दैट टाइम चेक करो कि आपको यहाँ पे एग्जीक्यूशंस विद डिफरेंट डिफरेंट केसेस एंड एग्जांपल्स यू हैव टू चेक। टिल दैट टाइम थैंक यू।